चलिए दोस्तों, आपका हमारे अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आपको पिछले वीडियो में जो कुछ बचा हुआ था उसको आगे से जैसे एलील और इसके चर्चा करनी थी, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, एलील या फिर एलीलोमॉर्फ। तो दोस्तों पौधों में स्थित अपोजिट कैरेक्टर के पेयर जो होते हैं उसे एलील बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं, एलील की दोस्तों बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल की बात की है, जैसे लंबा और बौना पौधा टाल एंड डॉर्फ प्लांट। एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, बैगनी और सफ़ेद पुष्प फ्लावर। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल है दोस्तों, एलील को इसी से ही समझा जा सकता है। दोस्तों एलील क्या होते हैं, दो अपोजिट कैरेक्टर के जो पेयर होते हैं। देखिए दोस्तों ये पेयर में है, जोड़े में है दोस्तों, लंबा बौना बैगनी सफ़ेद। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे दोनों पेयर में है चीज़ें, इसको आप दोस्तों समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग सीधी बात करते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी और अप्रभावी गुण या लक्षण। ठीक है दोस्तों, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं इसको। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक लंबा और एक बौना पौधा लेते हैं, ठीक है, और इसके बीच क्रॉस करवा देते हैं। देखिए दोस्तों, कैपिटल टी और स्मॉल टी को दिखाई दे रहा हो दोस्तों, ये प्योर टाल है, शुद्ध लंबा, और ये शुद्ध ड्वार्फ है, बौना पौधा है, ठीक है। इनके बीच दोस्तों हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो ये आएगा, ये आता है अपना F1 पीढ़ी आ चुकी है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल आएगा, मतलब संकर लंबा हिंदी में बोलते हैं, वो यहाँ से प्राप्त होता है। F1 पीढ़ी हो यहाँ पे आएगी। और इसके बाद दोस्तों एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, जिस इसके लिए हम लोग जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर कर सकते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जैसा लिखा हुआ इसी को यहाँ वैसे ही रखना है, इसको यहाँ से करवाएंगे कैपिटल टी कैपिटल, इसको यहाँ से करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको यहाँ से करवाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको यहाँ से, ठीक है। तो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दोस्तों इसमें आपको कहाँ समझ में आया अभी तक मैंने नहीं बताया, उसको मैं अब बताता हूँ। आप देखिए दोस्तों, आपने क्या लिया टॉल, यहाँ पे क्या लिया आपने डॉर्फ, देख रहे होंगे जो आपने क्रॉस जो अपने प्रक्रिया की है उसमें यहाँ पे देख रहे दोस्तों, डॉर्फ का कैरेक्टर जो है वो दोस्तों गायब हो चुका है। देखिए दोस्तों आप कहाँ को सामने दिख रहा है दोस्तों, जो है बौनेपन का जो लक्षण है वो दोस्तों यहाँ से गायब हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ लंबेपन का गुण जो है वही प्रकट हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों जो लंबापन क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ पे जो गायब हुआ है अप्रभावी है वो है बौनेपन का लक्षण। आपसे पूछता है तो आपको उसको आसानी से बता सकते हैं कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पे इसी को मैं आपको डिस्कशन कर रहा था कि डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर को आप कैसे जानेंगे। इसका दोस्तों यहाँ से F2 ये जो हम लोगों ने पीढ़ी याद की है, इसके यहाँ से आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को भी क्लियर कर सकते हैं, जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो भी यहाँ से दोस्तों आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप कैसे निकालते हैं इसको, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, बहुत ही आसान होता है, फिर भी आपको एक बार यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के और कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप जीनोटाइप दोस्तों देख रहे होंगे 1 2 1, दोस्तों समझ में आया होगा ये क्या है दोस्तों, हाइब्रिड टॉल जो यहाँ पर दिख रहा है, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ, शुद्ध लंबा, संकर लंबे और शुद्ध बौना पौधा। पे देखिए दोस्तों ये जो इसमें जीन देखे जाते हैं दोस्तों, जीनोटाइप में क्या देखना है आपको, जीन देखना है। देखिए दोस्तों जीन देखेंगे तो कैपिटल टी उसको देखेंगे कि अलग दिख रहा है, एक 1 रेशियो ये दिख रहा है, 2 हो गया, ये एक 1 अलग दिख रहा है, इसको अलग देखेंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है दोस्तों, आप समझ रहे हैं इसको। फिनोटाइप में क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पे अब आपको दोस्तों जीन नहीं देखना है बल्कि आपको लक्षण देखने हैं, जो कि 3:1 है। आप कैसे ये आपने ज्ञात किया इसको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन जो कैरेक्टर दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ लंबेपन का जो है लक्षण दिख रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये ड्वार्फ का कैरेक्टर दिख रहा है। इसी को ये दोस्तों ये बन आया है, वहीं से आया है ये, आपको डायरेक्टली भी दोस्तों याद होना चाहिए, क्योंकि आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि मोनो हाइब्रिड में जीनोटाइप का रेशियो बताइए। तो दोस्तों आप इस तरीके से पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो डायरेक्ट ही लिख देना है, और फिनोटाइप को इसको याद भी कर लेना है। आप भूलेंगे तो नहीं, अगर आप बाई चांस बोलते हैं दोस्तों आप प्रोसेस कर सकते हैं और आसानी के साथ ये चीज़ें ज्ञात भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपने मेंडल्स लॉ, जो कि मेंडल ने दिए थे
उनसे पहला नियम है दोस्तों लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा लॉ है इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट, इसको दोस्तों बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसको दोस्तों आप ये अलग से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। दोस्तों तीन नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर किसी आप कंपटीशन को देखते हैं, इन नियमों को दोस्तों बड़ा कायदे से पढ़ना होगा। दोस्तों आप बात करते हैं सबसे पहले नियम की, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इसको सबसे पहले आप हम लोग समझते हैं प्रभाव का नियम। अब दोस्तों नाम से ही समझ जाए प्रभाविता का नियम, मतलब प्रभावी और अप्रभावी वाला नियम, मतलब डोमिनेंस और रिसेसिव वाला ही नियम है। तो इसको दोस्तों ऐसे समझते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहले इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना पौधा लेते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले प्योर ड्वार्फ प्लांट लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी के इनके बीच क्रॉस कराते हैं, ये पेरेंट हैं, इनके बीच दोस्तों क्रॉस करवाते हैं तो ये प्राप्त होता है और ये F1 पीढ़ी भी हमको मिल जाती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर पेरेंट्स के बीच में, इसको पेरेंट पी से लिख सकते हैं, पेरेंट हैं ये ना। तो इसमें क्या होता है, इसके बाद F2 पीढ़ी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ये बना लेते हैं जो कि आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करेंगे कैपिटल टी, इसका इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करेंगे तो स्मॉल टी। दोस्तों समझ गए कि यहाँ पे F2 पीढ़ी हम लोगों को ज्ञात हो चुकी है। तो इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे क्या था दोस्तों, लंबेपन का कैरेक्टर था, यहाँ पे बौनेपन का कैरेक्टर था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हाइब्रिड, ये जो है हाइब्रिड टॉल संकर लंबा। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ से बौनेपन का गुण जो है वो गायब हो चुका है, वो कैरेक्टर यहाँ से गायब हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख होंगे, जो टॉलनेस है, लंबेपन का गुण है जो वो प्रभावी है, और बौनेपन का जो गुण है जो कि F1 पीढ़ी से गायब हो गया है वो अप्रभावी है। यहाँ से आप देख लीजिएगा, आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से दोस्तों देखिएगा लंबेपन का गुण जो है वो सो हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैपिटल स्मॉल टी मतलब हाइब्रिड टॉल संकर लंबा है, जबकि यहाँ पे प्योर डॉर्फ जो कि यहाँ से कैरेक्टर गायब हो चुका है। तो यही दोस्तों हम लोगों को मेंडल साहब बताना चाहते थे, प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस वाला नियम, इसीलिए उन्होंने दोस्तों लाया कि यहाँ से हम लोग जान सकें जो कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है वही डोमिनेंस है और जो नहीं हो रहा है वो रिसेसिव है, यही वो कहना चाहते थे। अब दोस्तों बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरे मेंडल का जो दूसरा नियम है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो इसको दोस्तों इसको भी एग्जांपल से ही समझा जा सकता है, बड़ा आसान सा रूल है। इसमें क्या करते हैं, एक यही शुद्ध लंबा पौधा लेंगे एक तरफ और एक तरफ लेंगे बौना पौधा, ठीक है, स्मॉल टी। पहले नियम में दोस्तों लिया था उसी तरह से इसमें भी वही कार्य करना है। तो उसमें क्या करेंगे, इनके बीच क्रॉस करवा देंगे, वन पीढ़ी हम लोगों को मिल जाती है और यहाँ पे आप जानते हैं हाइब्रिड टॉलनेस का लक्षण प्रकट होता है। और तो दोस्तों इसकी थीम बताते हैं, जब हम लंबे तथा एक बौने पौधे के बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी गुण प्रदर्शित हो रहे हैं, मतलब इफेक्टिव डोमिनेंस का गुण जो है यहाँ पे प्रकट हो रहा है, जबकि जो हम F2 पीढ़ी बनाएंगे वहाँ पर देखिए दोस्तों F1 पीढ़ी जो एक डोमिनेंस का जो कैरेक्टर है वो दोस्तों शो हो रहा है, जो अभी हम लोग नीचे F2 पीढ़ी जब बनाएंगे तो वहाँ पे प्रभावी और अप्रभावी का एक निश्चित रेशियो प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों कैसे होगा, तो वही कार्य करना है जो मैंने आपको पिछले में बताया था, कुछ भी बदला हुआ नहीं है। तो F2 पीढ़ी आपको हम लोगों को दोस्तों प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये F2 पीढ़ी है, देख रहे होंगे ये तीन जो है आपको बताए थे ये लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध है, ये दोनों आप जानते हैं संकर है, हाइब्रिड है, और ये वाला जो है ये शुद्ध बौना पौधा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग F2 में बौनापन ड्वार्फनेस और लंबापन दोनों का एक निश्चित रेशियो प्राप्त हुआ है दोस्तों। यही इनका जो है दूसरा रूल यही कहता है कि यहाँ पे F2 पीढ़ी में हम लोगों को इनके बीच में एक निश्चित रेशियो प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों रेशियो क्या आ रहा है, लंबेपन का जो अगर गुण माने तो इनको तीन को लेते हैं हम लोग 3:1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें दोस्तों ये तीन जो है लंबे हैं और ये सिर्फ इसका यही एक छोटा है, तो इसको हम लोग फिनोटाइप रेशियो भी बोल सकते हैं दोस्तों। यही इनका दूसरा नियम है, समझ में आ गया होगा दोस्तों बड़ी आसानी के साथ।
हमने और आपको एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने दो अपोजिट लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉसिंग ओवर करवाया और FNPD प्राप्त हो गई हम लोगों को। और वहाँ पे हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो है सिर्फ लंबेपन का गुण जो है वो प्रकट हुआ, टॉलनेस सिर्फ यहाँ पे दिखाई थी जबकि डॉर्फनेस यहाँ से दोस्तों दिखाई नहीं थी। तो यहाँ से हम लोगों ने माना कि यहाँ से जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो टॉलनेस है और यहाँ से ये डॉर्फनेस जो है वो यहाँ से गायब हो रही है। और जबकि हम लोगों ने F2PD में जब देखा के नीचे तो यहाँ से हम लोगों को प्रभावी और अप्रभावी दोनों का एक निश्चित अनुपात प्राप्त हुआ। यहाँ से देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही दिख रहा था, मतलब टॉलनेस सिर्फ दिख रही थी, यहाँ से टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों दिख रही हैं। तो यही वो बताना चाह रहे थे, इसको ही हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे जो मैंने अभी आपको दो नियम बताए हैं मेंडल के, जो शुरुआत के दो नियम जो मैंने बताए हैं आपको, वो आप देख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित हैं, बल्कि ये जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये वाला जो नियम है ये डाई हाइब्रिड मोनोक्रॉस पे आधारित है, मतलब द्विशंकर संकरण पर आधारित है। ये दोस्तों याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि ये कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम से में भी ये क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो है इसको सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है कि कौन सा हाइब्रिड है, इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है, ये जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, डाई हाइब्रिड उसका एग्जाम्पल है। और जो मैंने आपको दो नियम पहले बताए थे मेंडल के, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित हैं, इसको भी हम लोग दोस्तों सबसे पहले एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ गोल पीला बीज लेंगे, झुर्रीदार हरा बीज, इसको क्या मानेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, ये हो गया पेरेंट्स हो गए, इन्हों दोस्तों क्रॉस करवाया तो अब जानते हैं हम लोग क्या बनेगा, ये हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्रॉसिंग ओवर कराई गई है यहाँ पे, जो कि कहीं लिखा नहीं जाता बल्कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ही होती है। कोई यहाँ से अब क्या करेंगे, कैपिटल आर का इससे करेंगे कैपिटल वाई आ जाएगा, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से करेंगे ये आ जाएगा, फिर इसका करेंगे प्ले आर से स्मॉल वाई, आर का इससे करेंगे। आपको छोटा सा तरीका है आपको याद रखना चाहिए, इसका इससे करवाया तो ये आएगा, इसका यहाँ से ये आएगा, स्मॉल आर का इससे करवाएंगे ये आएगा, स्मॉल आर का यहाँ से करवाएंगे ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे जो हम लोगों का रिजल्ट ये रेशियो आया है हम लोगों का, कि मैंने आपको पिछले वाले दो रूल बताए थे उसी के अनुसार लिख लेना है, इसको एक बार फिर से लिखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स को बनाना है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पहले लेंगे, ठीक है, इस वाले को इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस ट्रिक से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें स्मॉल वाई, ठीक है, फिर इसका इसी को लिए रहेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ये दोस्तों सबसे बढ़िया है और कभी भी गलत नहीं होगा आपसे ये टेबल बनाए, फिर यहाँ इसका इसको ही लिए रहेंगे, इसके यहाँ से करवाएंगे, इसको ही लिए रहेंगे दोस्तों यहाँ से करवाएंगे। इसी तरीके से नीचे वालों को भी करना है, इसको ले लेंगे फिर इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, इस तरीके से आप इसको ले लेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। इस ट्रिक से दोस्तों आप करेंगे 16, ये जो हम लोगों ने ये ब्लैंक बॉक्स बनाए भरे हुए हैं, कभी भी दोस्तों आपका गलत नहीं होगा। और इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आप देख लेंगे इसको, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, गोल पीला होगा दोस्तों कि नहीं होगा, ये देखिए दोस्तों गोल पीला हो जाएगा। इसके बाद इसको देखेंगे दोस्तों, गोल पीला ही आएगा, इसके बाद यहाँ पे भी गोल पीला आएगा, यहाँ पे भी गोल पीला आएगा। इसको दोस्तों लिख नहीं रहा हूँ वरना दिखेगा नहीं अच्छा, इसलिए मैं लिखने का ऐसे ही आपको बता देता हूँ। इसका एक रेशियो भी दोस्तों आपको याद रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा दोस्तों लोगों को याद रखना है। आप देखेंगे इसमें लास्ट में कंपटीशन में भी दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसका, गोल पीला, इसका दोस्तों रेशियो है उसको डायरेक्ट आपको याद रखना, गोल हरा और झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। इस तरीके से दोस्तों ये आपको चार चीजें लगातार याद रखनी है, इसका रेशियो होता है दोस्तों 93:31। तो दोस्तों ये आपको ये रेशियो याद रखना है 93:31। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो एक्सपेरिमेंट था उसका डायरेक्ट रेशियो क्या है। अब आपको कैसे ही प्रूव करवाता हूँ, गोल पीला जो है यहाँ पे, जो ये गोल पीला मैंने बताया था, ये गोल पीला है, ये भी गोल पीला है, मैंने इसलिए लिखा नहीं था दोस्तों कि ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर थोड़ा 9 जगह पर ये जो है ये बॉक्स आपको मिलेगा इसमें, लेकिन झुर्रीदार हरा जो है वो सिर्फ लास्ट में मिलेगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जो 1 वाला है ये सिर्फ यहाँ पे मिलेगा सबसे लास्ट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो। और इसका जो नियम है थ्योरेटिकल जो दोस्तों लिखा जाता है एग्जाम्स में, उसको मैं दोस्तों आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें लिखा जाता है दोस्तों कि प्रत्येक जीन के दोनों एलील
गैमेट फॉर्मेशन के समय दूसरे जीन के दोनों एलीलों को स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। गैमेट्स के फॉर्मेशन के रूप से रीअरेंजमेंट होते हैं। इसको दोस्तों याद करना ठीक नहीं होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।